हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महकान बुटीक। और आज की इस वीडियो में हम 16 टू 17 ईयर गर्ल के लिए फ्रंट ओपन फ्रॉक बनाएंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको ड्रेस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। देखिए, ये फर फॉल फैब्रिक है और इसकी विड्थ 10.5 इंचेस है और लेंथ 14 इंचेस है। तो 6.5 इंच पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे और 6.5 इंच पर ही आर्म होल का भी निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट 32 इंचेस है, इसका हमें 1/4 कर लेना है और इसमें 2.5 इंच ऐड करके हम 10.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे और 10.5 इंच में से हम 1 इंच कम करके कमर की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे 9.5 इंचेस पे, और ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। और आर्म होल में 1.5 इंच और 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से गोलाई दे देंगे। देखिए, अब नेक का निशान लगाएंगे। पहले 2.5 इंच पर नेक की विड्थ का मार्क करेंगे और 6.5 इंच पर फ्रंट पार्ट के नेक की लेंथ का मार्क करेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच में मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना लेना है। एंड गाइस, 5.5 इंच पर हम बैक पार्ट के नेक की लेंथ का मार्क करेंगे और दोनों नेक में इस तरह से गोलाई दे देना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की आर्म होल कट करेंगे। नेक भी हम पहले बैक पार्ट का ही कट कर लेंगे। देखिए, बॉटम में हम ओपन साइड की तरफ से ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इसे मैंने कट कर लिया है। दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे और ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को इक्वल करके नेक आर्म होल को कट कर लेंगे। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को ही हम सेंटर से भी कट कर लेंगे। बैक पार्ट को हमें ऐसे ही रहने देना है। एंड नाउ हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने 10.5 इंच विड्थ और 17 इंच लॉन्ग फैब्रिक लिया है और ये फोर फोल्ड है और ये इसका फोल्डेड साइड है। तो पहले स्लीव के बॉटम में 7 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव के ऊपर फोल्डेड साइड की तरफ से 2 इंचेस का मार्क करेंगे एंड ओपन साइड से लेंथ वाइज 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट्स को इस तरह से शेप देते हुए मिला लेना है। और ये दोनों पॉइंट्स को इस तरह से शेप देते हुए जॉइन कर लेना है। तो स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हमें इसे कट कर लेना है। और स्लीव के टॉप साइड पर सेंटर पर छोटा सा कट लगा लेंगे और अब घेर को रेडी करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने फोर फोल्ड फैब्रिक लिया है, 1, 2, 3 एंड इट्स 4, और ये फ्रंट एंड बैक पार्ट का घेर है। इसकी लेंथ 32 इंचेस है
और विड्थ है इसकी 21 इंचेस है। फ्रंट पार्ट के घेर को एंड बैक पार्ट के घेर को सेपरेट कर लेंगे और बैक पार्ट के घेर को हम ऐसे ही इक्वली रहने देना है और फ्रंट पार्ट के घेर को हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड से ओपन है। सो गाइस ये हमने फ्रंट पार्ट का घेर लिया है, इसके ऊपर की साइड पर 1 इंच का मार्क करेंगे। बिकॉज इसी के बाद से इसमें हमने गैदर सेट करना है। दोनों साइड की गैदर्स की डायरेक्शन हमें अपोजिट रखनी है। इस तरह इसमें गैदर्स ऐड कर लेना है और अब हम ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लेंगे जिसे हमने सेंटर से कट किया था और इसे हमने इसके ऊपर उल्टा रखना है। इसे इक्वली करके इस दोनों पार्ट्स पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को और घेर को अटैच कर लिया है और यहाँ मैंने स्ट्रिप लिया है, इसकी विड्थ 3 इंचेस है। इसे राइट साइड पर रख कर किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है। अब इसे बैक साइड की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसे 1 इंच जितना बाहर रखते हुए फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस देखिए 1 इंच जितना बाहर रखते हुए हमने इसे अटैच कर लिया है। अब हमने एक स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ 2 इंच है। इसे हम ये पार्ट पर रख कर किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस पर सिलाई लगा ली है और इसे बैक साइड की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और पूरा बैक साइड पर फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच करना है और इस पर ये साइड को रखेंगे ओवरलैप करते हुए 22 इंचेस पर निशान लगाएंगे। तो जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ये ओपन रहेगा एंड गाइस ये बैक साइड का घेर है, इसका सेंटर मार्क कर लिया है। इसके सेंटर पर ब्लाउज के सेंटर को मैच करके रखेंगे और इसे दोनों साइड से बराबर करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसे ब्लाउज से अटैच कर लिया है और इसकी प्लेट्स को भी फ्रंट पार्ट की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रखनी है। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ 1.5 इंचेस है। इसे नेक पर रखकर नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे और स्ट्रिप में छोटे छोटे सल ऐड करेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और अब इसकी पूरी तरफ छोटे छोटे कट्स लगा लेना है। और एक्स्ट्रा स्ट्रिप को भी कट कर लेंगे। और इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और अगेन पूरा फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तरह फ्रंट पार्ट के नेक की फिनिशिंग करी है, सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट की नेक की भी फिनिशिंग कर लेना है। और अब फ्रंट एंड बैक साइड के शोल्डर को इक्वली मिलाकर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। तो शोल्डर को अटैच कर लिया है, अब इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव के सेंटर को शोल्डर की सिलाई पर उल्टा रखकर दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है बराबर करते हुए। तो स्लीव हमने अटैच कर लिया है और स्लीव के बॉटम को सिंपली डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है और इसे उल्टा करके हमने इस पर फिटिंग का मार्क कर लिया है, इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। और अब इसके बॉटम को डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है। एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट पे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड ऐसी मोर इजी एंड फैशनेबल डिजाइनर ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस के लिए हमारे चैनल महकान बुटीक को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।